मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में आप सबको पंदर मुझे अंग यानी कि अंग, पेज नंबर है 33। आप सबको यहाँ पर 1 से 20 तक की गिनती आप सबको यहाँ पर लिखी गई है, आप सबको वो सीखनी है। और यहाँ पर बाजू में साइड में लिखनी है 1 से 20 तक की गिनती। सबसे पहले हिंदी में लिखनी है गिनती, तो एक, ये है एक, तो उसका शब्द सामने एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर उसके बाद था छः। आप सबको बोलनी पड़े और लिखनी भी है। उसके बाद सात, फिर आठ, नौ और दस। ये हो गया 1 से 10 तक की गिनती। उसके बाद का है 11, 14, 15। ये हो गया 11 से 15 तक। उसके बाद है 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो गया 1 से 20 तक की गिनती। आप सबको ये गिनती उसके शब्दों के साथ बोलनी भी है और यहाँ पर लिखनी भी है। चलो उसके बाद का आप सबको सीखना है। यहाँ पर आप सबको जो अंक नहीं है वो अंक लाइन में रेखा में लिखना है। यहाँ पर नीचे ये देख के अंक लिखो। नीचे है अंक लिखो, आप सबको एक लिखा हुआ है तो उसके बाद का अंक इस लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले एक, फिर लाइन, थ्री, ये बेसिक लाइन है, और दूसरी लाइन, और 20। ये हो गए 1 से 20 तक। आप सबको इस लाइन में जो अंक नहीं लिखा है वो आप सबको लिखना है ऊपर से देखकर। जिसको नहीं आता हो वो यहाँ पर देखे, एक के बाद क्या आता है तो दो, तो यहाँ पर लाइन में लिख डालिए दो। फिर ये है तीन, तो तीन के बाद क्या आता है तो तीन के बाद आता है चार, तो यहाँ पर लिख डालिए चार। उसके बाद है पांच, तो पांच के बाद क्या आता है तो पांच के बाद छः। फिर ये है सात, तो सात के बाद, तो यहाँ पर लिख लिए लाइन में आठ, आठ के बाद नौ, यहाँ पर दस। हो गए 1 से 10 तक। फिर यहाँ पर लाइन में क्या होना चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए 11। ये दूसरी लाइन में देख डालिए, ये 11 है। फिर
बारहवा शब्द लिखा है तो यहाँ पर लाइन में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तेरह, फिर ये है चौदह, उसके बाद पंद्रह, फिर ये है सोलह, फिर उसके बाद आता है सत्रह। ऐसे लिख डालिए सत्रह, फिर ये है अठारह, तो उसके बाद आता है उन्नीस और बीस। हो गए 120 तक। आप सबको ये 120 तक गिनती अपनी बुक में एक बार लिखनी है।